दोस्तों, क्या आपके पास ऐसा फोन तो नहीं जिसका रेडिएशन बहुत ज्यादा हो और हो सकता है कि ये आपके दिमाग और शरीर पे काफी बुरा असर डाले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि फोन जितना ज्यादा रेडिएशन फैलाता है वो फोन उतना ही ज्यादा हानिकारक होता है। फोन की रेडिएशन किस पे डिपेंड करती है, इसको बोलते हैं SAR, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट। इसके वैल्यू से जाना जाता है कि फोन का रेडिएशन कितना है। इसलिए दोस्तों, फोन का SAR जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेडिएशन फैलाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ ऐसे फोन के लिस्ट जारी किए हैं, इन फोन में रेडिएशन बहुत ज्यादा है। इन फोन में दोस्तों आप देख सकते हैं नोकिया, रेडमी, हॉनर्स, वीवो, आईफोन्स, ओप्पो के फोन शामिल हैं। आप इनके मॉडल्स और साथ में SAR वैल्यू भी देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा एक चीज याद रखिए कि जब भी आप कोई फोन खरीदे तो जरूर एक बार उसका SAR वैल्यू चेक कर लीजिए, क्योंकि फोन आपको उतनी ही ज्यादा सुरक्षा देगा। क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर ये फोन आपके साथ में ही रहते हैं, जहाँ पे आप उस पे फोन पे बातें और गेमिंग बहुत सारी चीजें करते हैं। और आपको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा मैक्सिमम SAR वैल्यू है 1.6। आपको कोशिश करें कि जिस फोन का रेडिएशन बहुत ज्यादा कम हो आप वही फोन लें। अब आप दोस्तों कहेंगे कि रेडिएशन तो सभी फोन से आता है। जी हाँ दोस्तों, रेडिएशन सभी फोन से आता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे फोन है जिसमें रेडिएशन काफी कम होते हैं। इसके लिए दोस्तों, आप जब भी कोई फोन खरीदें तो उसके स्पेसिफिकेशन के साथ ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां पे आपको SAR वैल्यू दिखाएंगे कि इस फोन का कितना है। तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो फोन लेने लायक है या फिर नहीं। आमतौर पर दोस्तों, जब भी किसी को फोन खरीदना होता है तो वो उसके रैम, उसके स्क्रीन, स्टोरेज, कैमरे सभी पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो है SAR वैल्यू। उसके ऊपर भी दोस्तों जरूर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई फोन खरीदें तो एक बार उसके SAR वैल्यू पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे इन्फॉर्मेशन था, आई होप ये वीडियो पसंद आई रहेगी। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।